हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं CVT 24/7 पर। बच्चों फाइनली मैथ्स का देखो पेपर हो चुका है, इसका एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना आपका गुड अटेम्प्ट होगा, कितना आपका बैड अटेम्प्ट होगा, एवरेज स्कोर कितना होगा और बाकी इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। सारी बातों के बारे में बच्चों मैं चर्चा कर चुका हूं आपको लास्ट सेशन में। यार इस सेशन में मैं आपको बहुत ही क्विकली आपको आंसर शीट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसका आप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथ में बच्चों जो ये सेट है, दिस इज द सेट बी, है ना। तो जो भी मेरे बच्चे सेट बी वाले बच्चे हैं, आप बेटा इसको मिलान कर लेना। हालांकि मैं आपको अभी क्वेश्चन को शो करके आपको यहां पर आंसर टिक मार करूंगा। तो जिस बच्चे का मान लो अगर आपके आंसर की में सॉरी आपके पेपर में बेटा मान लो अगर क्वेश्चन सफल भी हो रखे, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने आंसर को टिक मार कर लेना। यार सारे आंसर पहली बात मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्रॉस वेरीफाई करके बनाए हुए हैं। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से रिलाई कर सकते हो। इन केस अगर किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट नजर आता है, कुछ भी नजर आता है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टाइम स्टैंप लगाना और मार्क कर देना कि सर आप एक बार को इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। हालांकि मैंने कई बार मल्टीपल चेक करे हुए हैं, लेकिन स्टिल कई बार को गलतियां हो जाती हैं बेटा, अनजाने में भी हो जाती है। इन केस अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पहली बात यार बहुत बहुत सॉरी सभी मेरे बच्चों को, लेकिन वैसे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन स्टिल अगर कुछ होता है तो आप लोग बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना, कोई भी इधर उधर ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग आराम से कर देना, मैं उसको दोबारा एक बार को देख के दोबारा रेक्टिफाई मैं कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट आ जाओ जल्दी से फटाफट एक बार को देखते हैं एक एक क्वेश्चन का बच्चों आंसर मैं यहां पर आपको बताता हूं। ये मेरे सामने सेट बी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार को, दिस इज द सेट बी। तो अगर कोई दूसरा सेट होगा आपका तो हो सकता है बेटा क्वेश्चन उसमें सफल हो, लेकिन आपके सामने यहां पर क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये कंपलसरी नेचर के क्वेश्चन है सेक्शन ए के, तो ये आसान सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, इसको आपको करने लायक था। क्वेश्चन नंबर दो का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है यार सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है बच्चों सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यार आसान कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, फोर का है बेटा थर्ड, ठीक है, तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव का बेटा सेकंड ऑप्शन है 1/3, ठीक है क्लियर। तो मैं एक बार को पेपर भी ले लेता हूं, सो दैट अगर मान लो गलती से मैंने इसमें कुछ और लिखा है तो ताकि मिसमैच ना हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का बेटा फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फोर्थ ऑप्शन अच्छी तरीके से देख लेना, मैंने कई बार क्रॉस वेरीफाई करके सब कुछ बनाया हुआ, तो आप अच्छी तरीके से देख लेना बेटा। अभी मैं इसका डिटेल सोल्यूशन इस सेशन के बाद लेके आऊंगा, तो डिटेल सोल्यूशन कहां पर आपने गलती करी वो भी आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, एट का बेटा फोर्थ इज द राइट आंसर, एट का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन का फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल था, आसान क्वेश्चन है लेकिन स्टिल कई सारे बच्चे हो सकता है कि गलत करे हो। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का बेटा सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, बहुत ही आसान सा सवाल था ये, ठीक है, 11 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये कई बार मैं करा चुका हूं इस सवाल को, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये सवाल आपका छोड़ने लायक सवाल था पेपर के टाइम पे, इनकेस अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा था, तो ये जो है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का, सब्स्टिट्यूशन वाला, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का बेटा फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, उल्टा तुमसे पूछ रखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका होगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करने की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड इज द राइट आंसर, बहुत बार हम लोग इस सवाल को कर चुके हैं। तो ये हो गए सारे कंपलसरी नेचर के। इसके बाद यहां पर सेक्शन B1 की चर्चा मैं करता हूं। सेक्शन B1 में यार सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का है सेकंड ऑप्शन, रटा होगा आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग लीप ईयर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17, 17 का बेटा फोर्थ इज द राइट आंसर। 18, 18 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 19, 19 का बेटा फर्स्ट इज द राइट आंसर, सभी मेरे बच्चे इसको देख लेना यार। 20th, 20th का फर्स्ट इज द राइट आंसर। 21, 21 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22, क्वेश्चन नंबर 22, 22 का सेकंड इज द राइट आंसर, 22 का सेकंड इज द राइट आंसर। ये भी सवाल अगर आप चाहते तो इसको छोड़ सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का बेटा थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
27 फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चे अच्छी तरीके से अपने ओएमआर में मिला लेना बेटा, कई बार मल्टीपल टाइम मैंने क्रॉस चेकिंग करी है, वैसे कोई चांस है नहीं इसमें गलत होने का, लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन बता देना। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का बेटा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, थोड़ा सा ट्रिकी आसान सा क्वेश्चन है, ये सवाल करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल, सेकंड इज द राइट आंसर, ए एंड डी ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का यार फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड इज द राइट आंसर। मैंने कहां पर लिखा, अच्छा 34 है ना, 34 का बेटा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, 16/3 क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये पता नहीं कहां से बच्चे ने गलत कर दिया बेटा, इसको आप अलग अलग करते तो बेसिकली रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स ये बन जाएगा ना, तो रूट एक्स इज द एफ ऑफ एक्स, तो आराम से सवाल बन जाता। क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का बेटा सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, 38 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 39 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 का बेटा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 40 का फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 43 का है बेटा फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ, 43 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है यार, मैं इसकी बेटा फोटो भी डाल दूंगा है ना, इसकी जो मैंने ये बना रखा है इसकी फोटो भी मैं आपको डाला दूंगा, तो एक बार आप इससे भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। हो सकता है यार अब इस सवालों में आगे पीछे वैसे गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्टिल आप एक बार को इससे भी क्रॉस वेरीफाई करा लेना। क्वेश्चन नंबर 44 का बेटा फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का बेटा फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए एंड सी। ठीक, ये हो गया 47। 48 मैंने 47 का क्या लगाया, फर्स्ट। हाँ ठीक है, 47 का फर्स्ट है, अभी मैं फिर से भी एक बार लिख दूंगा। 48 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 2/7। क्वेश्चन नंबर 49 का बेटा थर्ड इज द राइट आंसर, 49 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यार इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें कैन नॉट आपसे पूछा है तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो ये सारे के सारे बेटा आंसर है, लेकिन स्टिल मैं एक बार को ना आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं इस वाले जो ये बी सेट है मैं इसका बेटा एक बार आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, सेकंड का बेटा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का है सेकंड, मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का है यार थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 7 का है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 9 का है फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 का है बेटा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 14 फोर, क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड। ठीक, तो ये हो गया पूरा कंपलसरी नेचर का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 मैं इसको डाल भी दूंगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17 फोर, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट, 18, 19, 20 तीनों का एक है, क्वेश्चन नंबर 21 थर्ड, 22 सेकंड, 23 फोर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 23 के बाद 24 का है थर्ड, 25 सेकंड, 26 फर्स्ट, 27 फोर, 28 सेकंड,
29 4 31st, ठीक। इसके बाद 31 second, 32 second, 33 first, ठीक। एकदम बेटा मैच करा लेना, दिस इज द बी सेट। ये हम कहां तक पहुंचे, 33 तक। उसके बाद 34 का है सर थर्ड, 35 4, 36 4, 37 4, 35 36 37 का फोर है, तीन बार चार। 38 second, 39 4, और क्वेश्चन नंबर 40 का है बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 first, 42 second, 43 4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना मन करे तो, 43 हो गया, 44 4, 45 third, 46 third, 47 first, 48 third, 49 third, 53rd, ठीक है। तो ये बेटा पूरी की पूरी आपकी आंसर की है, ठीक है। और ये जो भी मैंने आंसर किया आपको बताया है, दिस इज द सेट बी का, ठीक है। दिस इज द सेट बी का, तो जो भी बच्चों का सेट बी है आप इससे मिलान कर सकते हो। जिनका अगर इनके सेट बी नहीं है तो बेटा आप ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको बताया आप इससे अपना मिलान कर सकते हो। यार होपफुली सभी मेरे बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बेटा अपना आंसर मिला के इस वीडियो के नीचे यार कमेंट करके जाना कि आखिरकार आपका स्कोर कितना बन रहा है। जो अभी अपने लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका गुड स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर क्या है, कितने मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका एवरेज स्कोर यार इसमें 150 के ऊपर बन रहा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 100 के ऊपर बन रहा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका यार 200 में 200 बन रहा है। एक बार सभी मेरे बच्चे वीडियो के नीचे अपना स्कोर यार जरूर कमेंट करके जाना। मेरी साइड से बेस्ट विशेष बच्चों आपके साथ में, अभी थोड़ी देर में मैं आपको पूरी की पूरी मैथ की जो डिटेल्ड आंसर की है, आखिरकार किस सवाल को किस तरीके से आपको करना चाहिए था, कहां पर आपको कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए था, डिटेल्ड आंसर की मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अच्छी तरीके से इसको भी देख लेना, आखिरकार किस सवाल में क्या अप्रोच लगानी थी, कहां पर आपने मिस्टेक करी, कहां पर आपने गलती करी, ठीक है। तो डिटेल्ड आंसर डिस्कशन अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के लिए करने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।